ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to home a jet plane, I'ma do it all for you. Okay, hello friends, आज है 31st, आज मैं जा रहा हूँ बाइक लेके अपनी. अभी मैं बहुत सुबह उठ गया हूँ जल्दी, बिकॉज अभी पहले थोड़ी राइड करनी है. राइड से किलोमीटर्स कवर करने के बाद फिर आज फाइनल सर्विस का चेकअप है मेरी बाइक का. तो फाइनल चेकअप करा के आज उसका पूरा जो भी ऑयल वॉयल चेंज होना है वो चेंज होगा. उसके बाद फाइनल सर्विस करा के मैं आपको पूरा उसका बिल बताऊँगा कितना मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है. और मुझे पता है, आइडिया लग गया है कितना एक्सपेंस है. एक बिल तो मेरे पास आ भी चुका है, और अभी आज जो सर्विस होगी उसका बिल मैं ऐड करके आपको टोटल एक्सपेंस बताऊंगा. होपफुली ज़्यादा खर्चा ना हो, जल्दी हो जाए, क्योंकि एक्सपेंस ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो अभी थोड़ा और ऐड हो जाएगा, देखते हैं कितना ऐड होता है, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा. अभी मैं राइड पे जाता हूं और उसके बाद फिर NCR चलेंगे. तो बेसिकली आप ये वीडियो देखेंगे डायरेक्ट NCR जाते हुए, और उसकी वहाँ पर क्या काम होता है, फाइनल वर्कशॉप में फाइनल टचअप क्या देता है वो. मिलते हैं आपको रास्ते में या फिर सीधे NCR मोटर. See you guys. Hello, good morning everybody. Today is the final day. I'm getting my bike serviced finally. I mean the final touch-up has been going to be done today. So I'm going towards the NCR motorcycle. Basically, yahan se jo general check-up hona hai, bike ka general check-up kara ke aur iska oil change karke, oil change karenge iska. Aur pahunch gaye same galiyon mein. Aaj main bataunga aapko total kitna kharcha hua meri bike pe. Waise to already bahut kharcha ho chuka hai isme. आज जो खर्चे मुझे नोन है, जो मुझे पता है जो खर्चे होने वाले हैं, उसमें एक तो ऑयल है, 1500 का ऑयल डलेगा. और सीरियसली बहुत थक गया हूँ सर्विस करा करा के. इधर तो मुझे रेस्ट करना चाहिए था आज घर पे. बस कल का दिन और है, कल दिन दिन है मेरे पास. शाम को तो मैंने निकलना ही है. खा लो भाई इसको, खाने झटके पड़े. Alright guys, तो अभी NCR से पूरा काम करवा के निकला हूँ मैं. एंड सीरियसली बहुत स्मूथ चल रही है बाइक. बहुत टाइम बाद स्मूथनेस आई है बाइक में. अभी DND पे एक रन मारूंगा मैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है. बट गर्मी बहुत है डेली में, और अब मैं एडजस्ट भी हो गया हूँ बहुत बढ़िया. ये साउंड के हिसाब से मेरा हाथ सेट है अब एक्सीलेटर पे. स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज पहले थोड़ा लाउड पाइप था मेरा, तो साउंड से मेरा हाथ सेट था. अभी जो स्टॉक लगाया मैंने उससे साउंड नहीं है, तो मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा था. लेकिन अब हो चुका है, 2-3 महीने रन मार दी है इसमें 150 किलोमीटर अराउंड. तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अभी ऑयल की वजह से मेरा जो ये है ये फ्री हो गया है. ये थोड़ा ऑयल वॉयल लग गया होगा इसमें. तो गर्मी से क्या करूँ, हेडलाइट पे गर्मी में खड़ा होना बड़ा डिफिकल्ट है यार. तो देखो सवन ने जल्दी 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 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अरे हाल ने समझा दिया एयर फॉर्मेटिक मर्सिडीज वाले को. स्मूथ स्लिप मारी. अभी बाइक स्लिप मारी. अरे अरे बेटा बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो. और गर्मी के लिए सबके लिए एक ही एडवाइस है, ज़रूर ज़रूर जितना हो सके उतना पानी पीजिए. बिकॉज इतनी गर्मी में स्पेशली जो बाइक चलाते हैं टू व्हीलर सारा को ज़रूर पानी पीजिए. माय गॉड, हेलमेट के अंदर इतना पसीना हो गया मुझे. टपक रहा है, टपक टप 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 टप.
वापस आप सबके लिए। तो सुबह राइड पे गया था, आपको पता ही है, उसके गया था मैं एनसीआर मोटरसाइकिल, वहाँ पे चेकअप पूरा बाइक का हुआ। तो जो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था वो अच्छा है वहाँ का। एक्चुअली मेरी बाइक में ही इतना काम था, शायद अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद चीज़ें डली हैं, नो डाउट, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ स्टफ विच हैज़ बीन यूज, न्यू स्टफ विच हैज़ बीन यूज, तो उसके तो पैसे लगने ही थे। तो बेसिकली जो अभी तक मैंने रिवील नहीं किया था, वो पहला जो मेरा बिल आया था वो था 19,000, तो शायद अभी तक का मेरा इस बाइक के ऊपर सबसे मोटा खर्चा आया 19,000 का बिल। आप ये देख लीजिए बिल। दूसरा जो आज मेरा काम हुआ है, जो कि जिसमें ऑयल चेंज हुआ है, सेमी सिंथेटिक ऑयल है, जो कि वही 1500 का है फॉर 3 लीटर्स, एंड उनके लेबर चार्ज और छोटे मोटी चीज़ें और चेंज हुई हैं, तो वो मिला के आज का बिल है मेरा 2600। तो अगर मैं देखूं तो मेरा टोटल खर्चा हो गया है 19,000 प्लस 2600। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, मेरे 1700 पुराने रह गए थे, हाइड्रोलिक का कुछ काम हुआ था उसमें, जो कि उन्होंने पैसा लगाया नहीं था, तो हाइड्रोलिक का पैसा जोड़ के अब आप खुद कैलकुलेट कर लो 19,000, टोटल बिल हो गया 23,300, यानी कि 23,000 रुपये मेरे लग गए हैं इस बाइक पे। तो जो भी सोच रहा है कि बाइकिंग करनी है तो आसान नहीं है, बहुत खर्चा हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है तो आपका खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये आप चाहे आप कुछ भी बोलो, इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, बट सीरियसली अगर आप राइडिंग के लिए सोच रहे हो तो खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंसेस आपके हाई रहते हैं, क्योंकि डेली कम्यूट में इतना खर्चा होता नहीं है बाइक पे। हाँ, जब राइड करते हैं तो बहुत काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है बाइक को, लाइक वी हैव टू गो टू द एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम रोड्स, सो मे बी नो रोड्स, सो ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज गेट्स, यू नो, थिंग्स टाइम टू टाइम जो उसके भी पार्ट्स होते हैं, ऑल द पार्ट्स गेट्स little bit older and you know wear and tear is there, so wear and tear is lot more when you are doing the rides and especially when the offbeat rides and the adventure rides, so kharcha to hota hi hota hai, but main is cheez ke liye plan nahi tha, isliye mere ko thoda zyada jhatka laga hai. Mera maximum tha 5,000 to 8,000 main soch ke chal raha tha, lekin kharcha badhta gaya, ye bhi change, wo bhi change, bahut kuch change ho gaya, but jo kaam hua hai bike mein wo no doubt it is very good, thumbs up NCR मोटरसाइकिल्स, थम्स अप रमी भाई, बहुत बढ़िया काम था, और आपका नेचर उससे भी बढ़िया है, और सेकेंड उस्ताद जी यानी कि रमी के फादर, रमी भाई के फादर भी बहुत है, बहुत ही जेन्युइन बंदे, दो तीन बड़े कॉमेडियन टाइप है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, उन्होंने दो तीन काउंटर मार दिए इनके, रमी भाई की जो पल्सर बाइक है उस पर उन्होंने कुछ काउंटर मारा हुआ, तो उसी बात पर मुझे हंसी आ गई, अभी कैमरे पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ वो फनी पार्ट था, तो इट वॉज फन, मतलब वहाँ बैठ के टाइम पास भी हो रहा था, बस ये था कि टाइम का कम है क्योंकि काम इतना ज़्यादा है तो थोड़ा सा वर्क में डिले हो जाता है, बट ठीक है, जब अच्छा काम हो रहा था आप टाइम दे सकते हो, और बाकी ऑल ओवर एक्सपीरियंस वॉज गुड। जल्द से जल्द राइड कम्प्लीट करके आता हूँ मैं, उसके बाद फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर NCR में रमी भाई से, उनके फादर से, सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस गुड। जिनको बाइक में काफ़ी अच्छा काम कराना है और बहुत जगह से परेशान हो गया, और तो मैं परेशान नहीं था अपनी बाइक से, मेरी बाइक काफ़ी अच्छी चल रही थी। हाँ, ये था कि वो जो इतने पार्ट्स चेंज हुए वो कभी पहले हुए नहीं थे, तो मेरी बाइक तो ऑलमोस्ट न्यू है, इतना पैसा भी लग गया है और पार्ट्स भी सारे चेंज हो गए हैं, ऑलमोस्ट तो बिल्कुल न्यू बाइक है। तो जिनकी बाइक से प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है कोई मैकेनिक, तो एक बार आप जाके दिखा सकते हैं NCR मोटरसाइकिल्स, मैं उनका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट मैं फिर आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट सी अदर्स एंड स्टार्ट डूइंग राइडिंग, इफ यू लाइक राइडिंग देन ओनली डू द राइडिंग। ये नहीं कि वो पड़ोस का लड़का चले गया या वो चले गया या यूट्यूब पे चार लंदों को देख लिया या मेरे वीडियोज देख लिया, कुछ भी है, अगर आपको पसंद है तो ही करना, उसमें भी आपको बजटिंग करके चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि उससे पैसे ले लिए, घर वालों से पैसे ले लिए, उसके मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा होता ही होता है। So if you want to ride, do a good planning, be prepared from first from the scratch till the top, from the head till the toe, everything should be covered financially, your bike, your gadgets, your everything. So that's all, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता मैं। इसके बाद next video will be of the my preparation or the luggage and all that, छोटा सा video होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, तो उसको बनाने के बाद फिर मैं ride पर निकल जाऊँगा, जब तक आप ये video देख रहे हो शायद मैं ride पर जा चुका हूँगा। So till then, take care.
Adios. Yeah, I ain't here for the money, I ain't here.